मॉर्निंग, और आज 20 फरवरी, और ये सुबह का टाइम, और ये रियाज था। हाय कर बेटा, हाय करो बेटा, हाय करो। आस्था हाय नहीं करी, आस्था को भी फीवर है। और आस्था मेरा चेकअप, आप लोग को पता है कि मेरा पूरा 1 साल तक चेकअप चलेगा, तो आज चेकअप था। और आप लोगों से मिलते हैं साथ के साथ। आस्था को लेके आए हैं हम, और आस्था के डैडी गए हैं गाड़ी पार्क करने के लिए, और लाइन बहुत लंबा रहता है। आज मंडे है ना, तो मेरा मंडे को ही चेकअप रहता है, तो वो बोले कि तुम लाइन लगाओ, और हम भी फटक से आते हैं। और इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है फ्रेंड, क्योंकि अभी हम रहते रहते उतना तो कर लेते हैं कि हॉस्पिटल वगैरह के लिए देख लेते हैं। बस हॉस्पिटल दूर है ना, तो थोड़ा हस्बैंड को आना पड़ता है साथ में। ओह माय गॉड, लाइन बहुत लंबा है फ्रेंड। देख सकते हैं लाइन कितना लंबा है। ये देखिए फ्रेंड, ये रहा मेरा नाम, और ये रहा डेट, आज 20 फरवरी है ना, आज चेकअप का डेट था। तो आगे और ज़्यादा लाइन नहीं रह गया है, 6-7 आदमी और हैं, बाकी मेरे पीछे हैं। डैडी आ रहा है, डैडी आस्था बिना डैडी के नहीं रहती है, मम्मी के बिना रह लेगी वो, डैडी के बिना नहीं रहती है। हाँ आ रहा है डैडी। और देखिए फ्रेंड, मंडे के दिन कितना ज़्यादा भीड़ रहता है हॉस्पिटल में। वैसे भीड़ तो हमेशा ही रहता है, मंडे को कुछ ज़्यादा रहता है। और बहुत धीरे धीरे लाइन घसक रहा है, पता नहीं क्यों। और मेरा चेकअप हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद आस्था को भी हॉस्पिटल लेके जाना है। इसको भी फीवर आ रहा है, रात से नहीं, कल रात से आ रहा, दवा असर नहीं कर रहा, दवा दे रही ना फिर भी असर नहीं कर रहा है। और फ्रेंड्स, इतना लंबा लाइन लगने के बाद पता चल रहा है कि वो QR कोड ना इधर नहीं मिल रहा है, और इधर पीछे जाना पड़ेगा हमको। और मेरे हस्बैंड यहीं पे पता है, हमेशा यहीं पे मिलता है, तो मेरे हस्बैंड को यही पता है, तो आगे हम जा रहे, नहीं तो लेट हो जाएगा। हस्बैंड पता नहीं कहाँ आएंगे, वहाँ पे मिल रहा है फ्रेंड, देखिए वो दूर में खड़े हैं सारे लोग, तो हस्बैंड कॉल कर लेंगे जब आएंगे। आजा बेटा जल्दी जल्दी आजा, लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा ना बेबी। ला 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 ला। अब हमको यहाँ पे लाइन लगा के खड़ा होना पड़ेगा, उतनी देर वहाँ थे, अब यहाँ। मेरे हस्बैंड के आने के पहले ही QR कोड लगा लिए हम, और नंबर मिल गया है, मेरा सब काम हो गया है, बस ये नंबर आएगा और ब्लड टेस्ट के लिए चले जाएंगे, उसके बाद बाकी सारा टेस्ट जो भी है सब करवा के और निकल जाएंगे। रिपोर्ट नहीं लेंगे फ्रेंड आज, क्योंकि आस्था को भी हॉस्पिटल लेके जाना है, तो रिपोर्ट फ़ोन में बता देता है डॉक्टर। अब 2 साल से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इतना तो पहचान हो ही जाना चाहिए। और मेरे हस्बैंड उस रूम में आएंगे, हमको पता है, क्योंकि इस वाले रूम में नहीं आएंगे। चलो आस्था डैडी उधर आएंगे। और 696 नंबर आया है मेरा, इधर से फ्रंट कैमरा से तो आप लोग को दिखेगा नहीं फ्रेंड, बैक कैमरा से दिखेगा। आ जा बेटे चले चले। और फ्रेंड खा खा के मोटे भैंस होते जा रहे हैं, तो क्या करेंगे फ्रेंड, खाते पीते घर से हैं, और खाते पीते हस्बैंड भी मिल गया है, हस्बैंड भी तो दबा के खाने वाले मिल गए हैं, और खाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे फ्रेंड, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। अब दूसरों के जैसा थोड़ी भिखमंगा फैमिली से हैं, और भिखमंगी मिल भी गई, और उसके बाद से फागुन का साग और चावल खाएंगे, और सुबह में मामा भात खाएंगे, वो तो हम लोग से नीचे नहीं जाता है। कभी कभार फागुन खा भी लेंगे, मामा चावल तो नीचे नहीं जल्दी जाता है, बहुत कम। और जो रोज़ रोज़ मामा चावल ही खाएगा वो कितना मोटा हो पाएगा। और हम लोग का तो खाना देखते ही हैं फ्रेंड, हम खाना बनाने में भी कंजूसी नहीं करते हैं कि बस सुबह उठे नींद से मखाओ में चावल डाल दिए काम ख़त्म, नहीं फ्रेंड, हम तो आराम से दाल चावल रोटी सब्जी पनीर का सब्जी ये वगैरह सब कुछ राजमा वगैरह बनाते रहते हैं, तो मेरा शरीर ही ना फैलेगा, हम ही ना मोटे भैंस होंगे। अब जो सुबह उठा एक पैकेट मामा और रात का बासी चावल खा के जाएगा, उसका क्या होगा, वो तो सूख के हो गए हैं छुहाड़े पिया। हस्बैंड आ गए, वही हस्बैंड गणेश, कहिया छोड़ा था वो अपने मेहरारू के, यही है वो गणेश क्या, जो 2 साल से मेहरारू का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अरे इतना ही बोलिए जितना अच्छा लगे, क्योंकि मेरे व्यूवर्स हमेशा देखेंगे कि गणेश होता है मेरे साथ कैसे रहते हैं। गणेश कहिया छोड़ा था वो मेहरारू के।
दो साल से यही गणेश पागल है अपनी बीवी को ठीक कराने में। धरती जमीन आसमान एक कर दिए अपनी बीवी को ठीक कराने, वो गणेश अपनी महरारों को छोड़ रहे हैं। ओह हंसी आता है फ्रेंड ये सब बात सुन के। मेरे हस्बैंड तो सुन के ना पूरा पागल हो रहे थे हंस हंस के, बोल रहे मेरी वाइफ इतनी सती सावित्री उसको हम छोड़ेंगे? अरे जिसकी गंध मचा रही है वो छोड़े, हम क्यों छोड़ेंगे? और वो रहे मेरे हस्बैंड। और ऐसे ही हम दोनों हैप्पी फैमिली आप लोग के साथ आते, आप लोग के सामने आते रहेंगे फ्रेंड। और किसी के बहकावे में बस हंसते रहिए, ये कॉमेडी चलता रह रहा, हंसते रहिए। गणेश कैया छोड़ा था वो अपने मेरा रू के इधर का चेकअप पूरा हो गया फ्रेंड। अब जा रहे हैं हम अपने डॉक्टर से मिलने, और आज रुकने वाले नहीं हैं कि क्या आप लोगों को पता है आस्था को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो इधर का चेकअप हो गया, अब डॉक्टर से मिलने, वहाँ भी एक घंटा लग जाएगा। ये रहा फ्रेंड, और रिपोर्ट सारा रिपोर्ट आने में शाम तक लग जाता है, तो आज हम लोग रुकेंगे नहीं शाम तक, वरना हम लोग रिपोर्ट लेके जाते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाना है, डॉक्टर वहाँ रहता है, चेकअप इधर होता है। तो डॉक्टर के पास देखिए, और फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे दूसरे हॉस्पिटल आस्था का चेकअप के लिए। फ्रेंड अपना सोचा कुछ भी नहीं होता है, हम लोग डॉक्टर से मिलने गए थे तो डॉक्टर बोला आज आप लोग घर नहीं जा सकते और आप लोग को रुकना पड़ेगा तकरीबन एक घंटे तक, अभी लाइन बहुत लंबा है और डॉक्टर को कुछ बात करना है हम लोगों से। तो डॉक्टर कुछ एक्स्ट्रा चेकअप करेगा शायद, गुड न्यूज़ है क्योंकि मेरा चेकअप बंद होने वाला है। एक साल का रिपोर्ट जो था पूरा नॉर्मल आया है, तो डॉक्टर उसी के लिए शायद कुछ बात करेगा। शायद हो सके अब मेरा चेकअप आज से ही बंद हो जाए या एक आध बार और करे, इसलिए डॉक्टर बोला आज आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो आस्था का चेकअप देखते हैं इसी हॉस्पिटल में करवा देते हैं और फिर दवा ले लेंगे आस्था का। और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं खाना लेने के लिए, आस्था के पापा गए हैं आस्था का नंबर लगवाने के लिए। तो अब हम लोग चलेंगे खाना खाने, तभी ना मोटी भैंस होंगे खा खा के। अरे खाना भी तो पैसा वाला ही खाता है, भिगमंगा क्या खाएगा, फागुन का साग मामा भात। और अभी हम लोग जाएंगे फ्रेंड, कम से कम 300-400 बाट का बजट गिरेगा सिर्फ खाना में, और उसके बाद फ्रूट्स वगैरह लेंगे, जूस वगैरह लेंगे। खाएगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, थाईलैंड में। और चलिए फ्रेंड अभी देखते हैं क्या क्या खाना लेके आते हैं, क्योंकि डॉक्टर मना कर दिया घर नहीं जाना है, तो वेट यहीं पे करना है। तो वेट करेंगे तब तो शाम होने वाला है, डॉक्टर से मिलने के बाद फिर रिपोर्ट भी वेट करना पड़ेगा ना। तो चलिए चलते हैं, हस्बैंड का वेट करते हैं, आस्था का नंबर लगा ले, उसके बाद खाना लेके आते हैं। फ्रेंड आ गए, फ्रेंड आगे आगे चल रहे हैं, खाने का सामान अब स्टार्ट हो रहा है लेना, जो जो पसंद आएगा जिसको जिसको सब लेगा। और मेरे हस्बैंड को तो वो पता नहीं साग का क्या पकौड़ा पकौड़ी आता है, वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद है, वो लेंगे अभी, उसी के लिए इस गली में घुस रहे हैं। आज ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट थोड़ा कम दिख रहा है, बंद है ना आज फ्रेंड, मार्केट में बहुत कम दिख रहा है, दुकान सारा बंद लग रहा है। वो पकौड़ी वाली तो थी ही नहीं जो, और आज ज़्यादा सुबह है ना फ्रेंड, इसीलिए लग रहा है ना अभी अभी खोल रही है। अभी बज कितना रहा है, 9:30, अभी अभी खोल रही। चलिए हस्बैंड कह रहे चलो मेरा तुम्हारे लिए, मत हमको ऐसे ही बोलते हैं, तुम्हारे लिए ड्रेस देखूं, उनको बहुत पसंद है, हमको जब भी बाहर लेके आते हैं ना एक आध ड्रेस जरूर दिलवाते हैं, तो कह रहे चलो तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदेंगे। और देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है फ्रेंड, आ गए यहाँ पे 5-स्टार की दुकान पे, और हस्बैंड और इस इनके हैं क्या बोलते हैं बेटी, दोनों ये लेंगे, इसके बिना इन लोगों का गुड मॉर्निंग नहीं होगा। वही वाला लीजिए, वो वाला खाती है ना, वो वाला। हाँ आस्था कौन
कौन सा लेगा चिकन? कौन सा? हाँ ले लो ले लो ले लो। और हम फ्रेंड अपने लिए कुछ लेंगे ऐसा कि जो हम खा सके। और ये तो हस्बैंड ले रहे अपने और अपनी बेटी के लिए। और यहाँ का शॉपिंग हो चुका। और फ्रेंड ज़्यादातर यहाँ हमको अब पता चला, अभी को याद आ रहा है ना कि मंडे को ज़्यादातर ये रोड साइड वाला ना दुकान बंद रहता है यहाँ पे, इसीलिए बंद है। हम कह रहे हैं कि सुबह सुबह का टाइम है इसलिए बंद है क्या, तो देखते हैं जो जो मिलता है उसको लेते हैं, खाते हैं और फिर चलते हैं घर की ओर। अभी तो घर जाने में शाम हो जाएगा। और हस्बैंड पता नहीं कौन से ड्रेस की दुकान पर जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ से बीबी के लिए ड्रेस लेना है। और आस्था यहाँ पे ले रही है ब्रश, उसको कहीं कुछ देखना है तो लेना है। घर में इसका ब्रश है मगर यहाँ लेना है तो लेगी। वो जो कह देगी आस्था कि लेना है तो उसको लेना रहता है। आस्था कह रही है तुम ब्यूटीफुल हो, थैंक यू कर दो। और देखिए हस्बैंड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट पैंट है और कह रहे ले लो जबरदस्ती कहते ले लो ले लो। दो ले ले, ये तो है मेरे पास कम से कम 8-10 है। उसमें का नहीं है। और हस्बैंड हाँ स्टाइलिश है, वो धोती टाइप्स है। दो क्या करेंगे, है मेरे पास 6-7 है। इसमें का देखते पहनते हैं, इसमें का भी पहनते हैं। ले चली हाँ बोलो वही चाहिए। तो फ्रेंड ये ले रहे हैं और हस्बैंड जिद कर रहे हैं कि एक नहीं दो लेना पड़ेगा, जबरदस्ती है उनका कि दोनों उसको खुलवा दे रहे हैं। और यहाँ मिल गई आस्था को, आस्था की फ्रेंड। भाग गई। ओए आस्था गिरा दे रही है बेबी के चक्कर, दे दीजिए पैसा। और फ्रेंड हस्बैंड का दिल अभी भर रहा है, नहीं कह रहे हैं अभी और कपड़ा खरीद रहा है। ये जब भी हमको कहीं बाहर लेके आते हैं ना तो बिना ड्रेस के नहीं जाएंगे, ड्रेस ले लो एक आध ड्रेस तो जरूर ले लो। और फाइनली हम लोग इस वाले मार्केट में आ गए हैं, यहाँ कपड़ा का ज़्यादा सा दुकान दिख रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या पसंद आता है। ओ कपाऊ का भी अच्छा सा दुकान है। नहीं अब हम लोग को शाम बिताना है फ्रेंड, तो क्या करें, घूम रहे घूमेंगे खाएंगे घूमेंगे खाएंगे। और धीरे धीरे आस्था का स्कूल बैग लेके घूम रहे। और आए हैं फ्रेंड हम लोग शूज़ की दुकान पे, वो वाइट वाला हाँ हाई हील्स वाला। और फ्रेंड देखिए आ गए हैं शूज़ की दुकान पे, तो हस्बैंड कह रहे क्या कि शूज़ भी ले लो, सब कुछ न्यू लो। हाँ मेरे साइज़ अभी देख लेंगे ना साइज़ आ रहा कि नहीं। और फ्रेंड हमको हाई हील्स लेना था तो देख रहे हैं इसमें से कौन सा पसंद आता है, फाइनली चूज़ करके आप लोग को बताते हैं। हमको तो ये वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें का ब्लैक है क्या? आप कैसे नहीं बोल देते हो, इन लोगों के पास ये बस क्या बोलते हैं 100 पीस के लिए रखती है, अंदर में और भी रहता है। देखो इसमें का ब्लैक नहीं है, मेरे हस्बैंड सही बोले नहीं है। और ये भी सुंदर लग रहा है फ्रेंड, बट हमको होगा कि नहीं नाप देखते हैं। दिखाइए वीडियो में भी फ्रेंड्स को आई नहीं है। हे बेबी चू, हे बेबी चू छोटा है। एंड बेबी चू, और देखिए फ्रेंड ये पसंद आ रहा है, इसका साइज छोटा है और इनके पास कलर भी नहीं है। ये ज्यादा हमको पसंद आ रहा है, कलर भी नहीं है, साइज भी छोटा है।
जाओ डैड के साथ दे दो, आस्था के हाथ से दिला दीजिए, जा अपने दे दीजिए। और यहाँ पे फ्रूट लेने आए थे ना, तो एक बूढ़ी दादी पैसा मांग रही है। हाँ दे दो ग्रैंडमा को, मनी दे दो। दे दो, चलो बाय कर दो, ग्रैंडमा को बाय कर दो। लेंगे वो सब प्लॉट, लेंगे सब प्लॉट खाना है, खुद भी खाइए फ्रेंड। और दान उनको कीजिए ना जिनको ज़रूरत है, वो ओल्ड थी ना उनको ज़रूरत है, हम उनको देते हैं जिनको ज़रूरत होता है। ये सब प्लॉट चाहिए और वो ले लीजिए वाटरमेलन, और क्या, और कुछ अपने पसंद का ले लीजिए, दो मेरे पसंद का हो गया, एक अपने पसंद का ले लीजिए, हो गया। तो दो हम बोले ना, एक आप बोल लीजिए, एक आप कुछ ले लीजिए, एक आप अपने पसंद का कुछ ले लीजिए। मैंगो लेंगे, और मेरे हस्बैंड, हम मैंगो नहीं खाते, मेरे हस्बैंड मैंगो खाते और देखिए फ्रेंड ये खाएंगे तब ना भैंस के जैसा मोटा होंगे। हम लोग फ्रेंड है ना, अपना क्या बोलते हैं ना, खाने का मन है ना तो मन मार के जीते नहीं है। अब बहुत से लोग हैं ना बस साग भात चाट चाट के जीते रहते हैं, वो हम लोग से नहीं होता है। क्योंकि मैं, हम तो अपने बाप के घर से ही बस खाने पीने वाले फैमिली से आए, खाते पीते हैं, और हस्बैंड भी वैसे ही मिल गए एकदम से मेरे पापा के जैसे। मेरे पापा भी खाने पीने को कोई कमी नहीं किए कभी भी नहीं, वैसे ही सेम मेरे हस्बैंड भी हैं। और हस्बैंड का हाथ देखिए फ्रेंड बढ़ते ही जा रहा है। और अब इसके बाद अब क्या लेंगे, देख रहे, सोच रहे, हमको वो ना वो बॉयल वाला शकरकंद आता है ना, दिख रहे कहीं, आज मार्केट भी अच्छे से नहीं लगा है ना फ्रेंड, आज सोमवार दिन पड़ गया ना तो ज़्यादातर मार्केट बंद है। और हस्बैंड ये ले रहे ताहू, ले रहे शायद उनको ताहू खाना है। और ये पॉपकॉर्न का थैली भी लिए हैं, यहाँ पे महंगा दे रहा है, बोलते ना फ्रेंड अगर हॉस्पिटल के अगल बगल में कुछ सामान लेते तो थोड़ा महंगा देता है। और ये शमसी बाट का दे रहा है, 30 बाट का दे रहा है एक थैली। तो हस्बैंड तोहू ले रहे हैं और आस्था के लिए वो पॉपकॉर्न ले रहे हैं। चलो आस्था, अब हो गया, पूरा ओवरलोड हो रहा है लेके ढोना पड़ जाएगा, अभी इतना खा लेते हैं। एक बोतल सेवन से पानी ले लेते, बड़ा वाला बोतल। चलो बाबू पॉपकॉर्न लिया है, चलो। और फाइनली फ्रेंड हम लोग आ गए पार्क में, और चारों तरफ लोग बैठे होंगे, देखिए सब कुछ ना कुछ खा रहे हैं, सबका चेकअप हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, जो जो जिसके लिए आया होगा, अब वेट में बैठा होगा। अब हम लोग भी बस खा रहे हैं, हस्बैंड मिक्स कर रहे हैं, चटनी मिला रहे हैं। और ये रहा हम लोग का फ्रूट्स, 3 टाइप्स का फ्रूट्स लिए हैं। और आस्था खा रही है पॉपकॉर्न, और मेरे हस्बैंड खा रहे तोहू। यस, और ये आस्था का चिकन है। थैंक यू। और अभी देखिए हस्बैंड कितनी देर तक चटनी मिक्स करते हैं। बैंडेज मत निकालो। और आस्था हमेशा अपने डैड की गोद में छुपी रहती है। हमें निकाला दे दो, हमें निकाला। क्या दे दो? हमें निकाला। बोलो कैसे हो? हमें निकाला। और आस्था जो ब्लड टेस्ट हुआ ना उसका बैंडेज निकालने के लिए परेशान है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला। चलिए फ्रेंड अब हम लोग खाएंगे, कब तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। और वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब शाम हो जाएगा हॉस्पिटल में, अब आराम से घूमेंगे गोल गोल। और अब इसके बाद आस्था को ले जाएंगे, उसका चेकअप करा के उसको दवा दिलाते हैं। तब तक के लिए करते हैं बाय बाय। बाय कर बेटा, बाय बाय कर देंगे। पहले हाय भी कर लीजिए, कुछ बोले नहीं आज आप फ्रेंड लोग से बात नहीं। बोलिए बोलिए, पहले बोलिए। आस्था ना किसी को दिखने नहीं देती है। क्या है? पनीर है, पनीर है, बताए।
और ये टाहू था, आगे पता चल गया टाहू था। चलिए फ्रेंड हस्बैंड, आप लोगों को पता है ना जब खाने में बिजी रहते बहुत कम बोलते हैं, और आप देख सकते हैं कितने मोटा हो गए हैं, अभी और मोटा होना है। नहीं फ्रेंड, और थोड़ा पतला होना है। तब तक के लिए बाय बाय। आप बोलिए। अब फ्रेंड देखिए, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। आप बैठो, आप बोलिए, मेरी आस्था बोलने नहीं देती है। आप बोलिए। मेरे हस्बैंड कुछ बोलने वाले थे, रुको बैंडेज कर दूं। अब बोलिए, पहले बोल दीजिए तभी वीडियो इन होगा। अब फ्रेंड देखिए, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। ये फाइनली और फाइनली है। फाइनली और फाइनली है। ये फाइनली, सच का फाइनली। बाय बाय फ्रेंड।